ये जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर उनको खाना दे रहे हैं। मेरा नाम है जसप्रीत, अरोरा में रोटियां बेल रही हूँ। ये तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में कोई भी इंसान अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज रहा है। हमारा जो वीडियो है वो 10, 100, 1000 बंदे देखें, पर एक वीडियो अगर एक वीडियो एक का एक बंदे का भी अगर जमीन जगा दे और वो बंदा एक बंदे का वो हेल्प कर देना, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद वो कामयाब हो जाता है। क्या सेवा हो रहा है, कैसे लोगों को खाना मिल रहा है, जहाँ तुम लोग पहुंच नहीं सकते वहां जा रहा है ना, घर का ही खाना जा रहा है ना। तो जैसा आप देख रहे हैं ये यहाँ से पूरे का पूरे खाना पैक हो रहा है और जो स्पेशल ट्रेन जाने वाली है वो स्पेशल ट्रेन में 2000 पैकेट यहाँ से पैक हो रहा है गुरुद्वारा से, और यही पैकेट और स्पेशल ट्रेन में जो लोग यहाँ जाने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। आइए कुछ यहाँ पर हमने कुछ बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे पैक कर रहे हैं। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। क्या? अशप्रीत। परमीत सिंह। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं, पैकिंग पैकिंग कर रहे हैं जो ट्रेन में जाने वाले हैं उनके लिए। मेरा नाम दिलप्रीत है। ये जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर उनको खाना दे रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रेन में कुछ खाना वाना है नहीं तो उनके लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं और आज इनके अंदर जो सेवा भावना है, और ये गुरुद्वारा में ही हमने देखा है कि किस तरीके से बच्चे खाना पैक कर रहे हैं उनके लिए। जो ट्रेन जाने वाले उनको पता है कि ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा। आप देखिए कुछ है, यहाँ पर छोटी बच्चियाँ भी हैं और आप देखिए ये खाना से पैक होके स्टेशन पे जाएगी। और ये कितने पैकेट बन रहे हैं सर? ये 2200 पैकेट जाएंगे, 2200। तो ये 2200 पैकेट यहाँ से अभी पैक होके स्पेशल ट्रेन जा रही है वहाँ जा रही है। अभी आप एक चीज़ देखिए, एक छोटी बच्चियाँ हैं और इन लोग एक सेवा कर रहे हैं। तो आप नाम बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है जसप्रीत, अरोरा में रोटियाँ बेल रही हूँ, पूरियाँ बेल रही हूँ। आपको आता है? हाँ। माही। माही। की नाम है? हाँ। हम गोल गोल कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? अभी तो मैं 8 इयर्स होने वाली हूँ। आपको आता है बनाने? हाँ आता है। बना रही दिखाओ, और कैसे बना रही देखिए। ये जो छोटे बच्चों में ये जो एक सेवा भावना, मैं आप लोगों को इसे बता रहा हूँ कि ये जो यही संस्कार इनके आने वाला जो भविष्य है, और जब बड़े होते हैं तो जो सेवा भावना जो आती है वो बचपन से ही आती है। इसका जीता जाता उदाहरण है ये दो बच्चियाँ। लॉकडाउन का पेड़ शुरू हुआ, एक महामारी फैली, लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ। उस डर के माहौल पे गुरुद्वारा, मंदिर, कुछ समाजसेवी संस्थाएं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी जो किसी समाजसेवी संस्थाएं से जुड़े हुए नहीं थे, ऐसे लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद लोगों के सेवा की। इसी बीच आपसे एक सवाल ये है, अभी हमने कोरोना काल में देखा कि पनवेल गुरुद्वारा या कमेटी, इससे पहले भी कमेटियाँ रही हैं, युवाओं का इंगेजमेंट अभी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, तो क्या इसका कारण आप क्या समझते हैं, या फिर पहले ऐसा क्यों नहीं था, अभी ऐसा क्यों है? नहीं, युवाओं में देखो, युवाओं में जो अपना सेवा का भावना था ना, वो वैसा ही देखा मैंने, क्योंकि पहले भी वो सेवा के लिए जिस टाइम मर्जी उनको बुला लो, जिस तरह की मर्जी। अभी हमने लास्ट टाइम 2-3 समागम भी किए बहुत बड़े बड़े, वैसाखी का समागम किया, फिर नवे साल का समागम जो सीवुड गुरुद्वारा उधर होता है ग्राउंड में, वहाँ भी युवा का जोश बहुत था। पर हमारा थोड़ा सोचना था कि ये कोरोना बीमारी में, महामारी में शायद
घर वाले बाहर ना आने दें, युवा ना बाहर आएं, पर नहीं, मैं बोलता हूं कि गुरु नानक देव जी की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारे युवा ने जो जोश पहले था उस जोश को कंटिन्यू रखते हुए उससे बढ़कर और आगे आके हर सेवा में जिस तरीक़ा का हिस्सा, और उनके परिवार वालों का भी बड़ा बड़ा योगदान है जो उन्होंने अपने बच्चों को बाहर आने दिया। ये तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में कोई भी इंसान अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज रहा है। हम हर एक आदमी का जो आज आगे आके जहाँ पुलिस महकमा है, जहाँ मेडिकल है, जहाँ नगर पालिका है, जहाँ सेवादार है, हर एक का धन्यवाद करते हैं कि जो आज की डेट में बाहर आके लोगों की सेवा कर। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ हमें देखने को मिली। कुछ लोग यहाँ पर, हमने जो कमेंट्स हम पढ़ रहे थे, या जो भी सेवा कार्य कर रहे थे और वो अपने फेसबुक के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुँचा रहे थे, उसमें बहुत सारे एक नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं एक भाई आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं, आपने साथ देखा हो देखा हो, तो इससे आप विचलित होते हैं या फिर जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर, ऐसे अभी जैसे हम कहना चाहें तो ऐसे तो हर एक को हम जवाब नहीं दे सकते। जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं वो तो अपने घर पे आराम से बैठ के, उनको खुद तो कुछ करना है नहीं, वो अपने आप घर पे बैठ के 10 रुपये का रिचार्ज पैक डाल के वो कमेंट करते हैं, और वो हमें ये कमेंट करते हैं कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तो आप उसकी वीडियो बना के ना डालें। हम सिर्फ इतना उनसे पूछना चाहेंगे कि आप जो फेसबुक के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमेंट कर रहे हैं, क्या आपने कभी उस सोशल मीडिया पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड नहीं की या कुछ खाते हुए, कि हमने देखा है हमारे कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, हमने खुद देखा है कि वो जब भी कोई चीज़ घर पे बनती है या वो बाहर कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं तो एक छोटी सी चीज़ का भी, जैसे हैविंग पानी पूरी एक छोटी सी चीज़ है जो हर कोई बंदा खा रहा है, पर उसको दिखाना ज़रूरी है लोगों को कि आज मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, और कोई गरीब उसको देख ले वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो ये चीज़ हम जाहिर करना चाहते हैं? नहीं, हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमारा जो वीडियो है वो 10, 100, 1000 बंदे देखें, पर एक वीडियो अगर एक बंदे का भी अगर ज़मीन जगा दे और वो बंदा एक बंदे का को हेल्प कर देना, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद वो कामयाब हो जाता है। बस इसी के चक्कर में हम वीडियो बनाते हैं, हमारा किसी को ना कोई दिखाने से है ना कुछ करने से। हम पहले भी ऐसे ही सेवा करते आ रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो अलग बात है कि ये कोरोना की वजह से इनका ध्यान जो है वो सब घर में जो फ्री है इसीलिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बट और कोई हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। हमारी जो अवेयरनेस है ये सब तक पहुंचनी चाहिए कि भाई हम जितना हो सके हमारे से उतना हम लोगों को हेल्प करें बस, और नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं है मैं वीडियोस डालता हूँ, लेकिन ये मतलब अब मैंने छोड़ दिया है, मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ और मैं डालता रहूँगा क्योंकि मेरा फेसबुक मेरा अकाउंट, मेरे को किसी गुरुद्वारे से मेरे को बोला नहीं है कि वीडियो बनाओ डालो, ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मैं फील्ड पे हूँ, मैं ड्रोन सर्वेलेंस करता हूँ, मैं फील्ड पे हूँ, मेरे को दिखता है क्या हो रहा है, और सब लोग घर पे बैठे तो देखो ना, जाते हो ना पिक्चर देखने 250-300 रुपये देके थिएटर में, मेरा भी देखो पिक्चर देखने गए तो टाइम पास हो जाएगा, देखो असलियत क्या हो रहा है, क्या सेवा हो रहा है, कैसे लोगों को खाना मिल रहा है, जहाँ तुम लोग पहुँच नहीं सकते वहाँ जा रहा है ना, घर का ही खाना जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? वो KGF मूवी में देखा एक वो हीरो बोलता है ब्रेड दिखा के, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए तुम इतना तड़प रही हो, कितना हिट हो गया वो मूवी, मूवी देख 350 देखे वो देखा ना वो पुण्यदान, ये हकीकत में हो रहा है ना ये, तो वो तो देखो ना, नेगेटिविटी मत फैलाओ। मेरा तो एक ही है, मेरा एक ही मोटिव है कि नो जोक्स ऑन सिखिज्म, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट है खुद पे जो जोक बनाएगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरा फाइट यही है और मैं लड़ेगा जब तक है। और एक चीज़ ये है कि बर्थडे में लोग केक काटते हैं, सब दिखते हैं, लेकिन उसी आदमी का जिसका बर्थडे है वो कल कोई प्रॉब्लम में रहेगा, कोई नहीं दिखता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है COVID-19 में, कौन दिख रहा है बाहर, कौन दिख रहा है? सेवादार जो धूप में चल नहीं सकते, पसीना पसीना हर जगह पे, खड़े नहीं रह सकते, ये कोई पिक्चर का शूटिंग नहीं है, कट एक्शन टेक, ये कुछ नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है। जो जगह पे गाड़ी नहीं पहुंच पा रही वहां पे सेवादार गाड़ी चढ़ा रहे और सबको पानी से लेके हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं डालूं भाई फेसबुक में
क्यों नहीं डालूं, मैं डालूंगा, मेरा अकाउंट है। फेसबुक वालों ने तो मेरे को कुछ नहीं बोला, उल्टा मैं